रावण ने सोचा कि ऐसा एक कोठी मिल जाए तो काम हो जाए। दूसरे दिन हाथ में संकल्प करवाया कि दक्षिणा देंगे तो देंगे, तो हाथ में पानी लो, तो पानी लेने की क्या जरूरत है, मैं शंकर हूं, जो बोलूंगा वो करूंगा, तो अपनी महाराज जी पानी लीजिए। अब वंश संकल्प करो, फिर बाद में मना नहीं कर सकते। भगवान कहे कि रावण आपको क्या चाहिए, तो कि बोले जिसका हमने वास्तु किया वही कोठी आप मुझे दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, अपनी भवानी को कहा कि चलो भगवती जाते हैं कैलाश में। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे भगवती पार्वती, हे उमा, ये जगत तो स्वप्नवत है, कोठी को हमें क्या करना है, हम तो कैलाश के निवासी है। तो ये लंका है वो भगवान शंकर के लिए बनी है, इसलिए उसका प्रत्येक आलय महल मंदिर है। तो प्रत्येक मंदिर में हो गया हनुमान जी भारत हवा में उड़ते हुए जाते हैं। देखे जहां तह अगणित योद्धा, अगणित योद्धा को उन्होंने देखा। दशानन का जो घर था उसका जो मंदिर था, गयो दशानन मंदिर वहां, जिस मंदिर में दशानन रह रहा था वहां गया कि चलो कदाच भगवती वहां होगी, मगर वहां भी अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपि देही। वो राजा वो रावण सोया हुआ था, मगर मंदिर महू न दिखी कोई देवी। अभी हनुमान जी महाराज परेशान, क्या करे क्या करे, पूरी लंका का विहंगावलोकन एरियल व्यू से देख रहे हैं, कहां मिलेगा कहां मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, थोड़ा सूर्य की लालिमा हो रही है, दिख रहा है। ऐसे में देखा तो सुवर्णों के महलों के बीच में एक मिट्टी का घर था। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा। एक अलग से मंदिर जैसा दिखा, मगर जो सुवर्ण का नहीं था। ऐसा जरूरी है कि सोने का चांदी का हो तो ही मंदिर हो सकता है, भावनामय होना चाहिए, भक्तिमय होना चाहिए, उसको कहते हैं मंदिर। हनुमान जी महाराज देखते हैं, तुलसी लिखते हैं, रामायुध अंकित गुह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरष कपिराय, लंका निशिचर निकर निवासा, इहां कहां सज्जन कर सामन महु तरक करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जा राम राम तेही सुमिरन किन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चिन्हा, तेही सन हति करि हउ पैचा, साधु ते होयन कारज हानि, विप्र रूप धरि बचन सुहाये, सुनत विभीषण उठित आय, करि प्रणाम पूछी कुशलाय, विप्र कहउ निज कथा सुहाय, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, तुम राम दिन अनुरागी, आय मोहि करन बड़ बागी, मंगल भवन अमंगल गवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल जपत निरंतर शंभु गवा। हरि मंदिर था भिन्न बनावा,
देखा वहां पे होल्ड हो गए, रुक गए, थोड़ा दीवार को देखा, अगल बगल देखा, तो विचित्र लगा। तुलसी के क्यारे लगे हुए थे, तुलसी के वृक्ष थे, और घर के प्रवेश द्वार के ऊपर धनुष का चिन्ह था, रामायुध, राम का आयुध अंकित गृह। यहां सोने की लंका थी, कनक कोटि विचित्र मणि, कनक कोटि और विचित्र मणि, मगर वहां तुलसी को सुंदरता नहीं लगी। यहां इस मिट्टी के ढेर के घर में गाय के लेपन वाला गोबर से लेपा हुआ जो घर था, वहां आचार्य तुलसी को सुंदरता दिखती है कि रामायुध अंकित दुहाई, शोभा बरनी न जाय नव तुलसी का वृंद तहा, देखी हरष कपिया। मगर सोचा कि ये मेरे साथ कुछ गलत हो रहा, अनएक्सपेक्टेड चीज हो रही, क्योंकि पूरा ये लंका सोने की और ये मिट्टी का केस है। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, सब कुछ अच्छा है तो अचानक खराब देख लेते हो तो हमको शंका होती है, या तो पूरा जीवन खराब ही चलता है और सब कुछ अचानक अच्छा हो जाए तो भी शंका लगती है, क्या सही है क्या। यहां हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये घर तो किसी सज्जन का लगता है, रामायुध तुलसी का क्यारा, तो उसका सिम्टोमेटिक अर्थ ये है कि यहाँ कोई भगत रहता है, कोई सज्जन रहता है, मगर ये पॉसिबल नहीं। हाउ इट कैन पॉसिबल, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन करिवा। ये तो राक्षसों का देश है, राक्षसों के प्रदेश में सज्जन कभी नहीं रहते हैं, यहां कहा सज्जन करिवासा। ऐसा सोचते हुए मन में तर्क करने लगे, तर्क हो रहा था और वहां विभीषण जाग गए। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। विभीषण जाग गया, तो जाकर विभीषण ने क्या किया, अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? मुकी यानी कि चाय, जाग के पहला शब्द ये होता है चाय रखी क्या, अकत में जाग के कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम प्रभाते शिव दर्शनम। शिवलिंग मुद्रा बना के विष्णु और शंकर का आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये विष्णु भगत है, और कोई आदमी कितना भगत है वो जानना है तो उसको जगाओ, पर दिन में से सुबह का उठाना है ना, उसको जगाओ। वो जाग के पहले क्या करता है उसके ऊपर आपको पूरा उसकी दिनचर्या का पता चलेगा। तो विभीषण जी जागे, और जागते ही राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। जैसे राम राम का सुमिरन सुना तो कपि को हृदय में आनंद की अनुभूति हुई कि ये तो कोई चल सज्जन है, राम का भक्त है, हरि का भक्त है। एहिसन हठ करियहु पहचानी, साधु ते होइन कारज हानी। मुझे लगता है साधु है, और साधु का संग करने में कोई दोष नहीं है, साधु का संग करने से हानि नहीं होती, लाभ कितना होगा वो हमारे ऊपर निर्भर है, मगर साधु के संग से नुकसान नहीं होता। के साधु तारो संगड़ो न छोड़ू मेरे लाल,
के लाल मेरा दिल मा संतो हे लागी बैरागी रामा के जोयू मैं तो जागी रे। कर सत समागम तो जीवन सुदर्श, ये संत है ये साधु है, तो हनुमान जी ने सोचा कि ये साधु के संग थोड़ी मुलाकात हो जाए। तो हनुमान जी महाराज तो बंदर के रूप में थे, हनुमान जी ने भी मायावी नगरी में आए हैं तो माया का आचरण किया, जो नहीं थे वो बन गए। हनुमान जी महाराज दूसरी बार ब्राह्मण के वेश में प्रकट होते हैं। विप्र रूप धरि वचन सुहाई, विप्र का रूप लेकर राम राम सुमिरन करने लगा। सुनत विभीषण उठित आए, जैसे कोई बाहर राम राम बोल रहा है अंदर वो बोल रहा है, तो विभीषण सोचने लगा कि यहां तो राम राम बोलते उसको मार दिया जाता है, यहां रावण रावण बोलो तो इनाम मिलता है, यहां राम नाम पे तो बंदिश है, चल मैं उसको घर में ले आऊं, कोई उसको सुन लेगा तो उसको मार देगा। भगत को बचाने के भाव से तुरंत विभीषण जी ने अपने कमाड खोले, द्वार खोले, तो सामने हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में खड़े थे। उसको प्रणाम किया, करे प्रणाम पूछी कुशलाई, कैसे हैं आप? आनंद मंगल क्षेम कुशल है, आप कौन है, आपका परिचय दीजिए। विप्र कहो निज कथा बुझाई, आप बोलिए आप कौन है, कहां से आए हैं, और यहां महाराज जी राम राम बोलना मना है। मैं तो रावण का भाई हूं मगर अपने घर में बोलता हूं, सार्वजनिक स्वरूप से मैं भी राम राम नहीं बोल सकता हूं, और मेरी कुटिया के बाहर आप बोल रहे थे इसलिए मुझे भय लगा, आप कौन है? हनुमान जी महाराज भगत को देखते थे, और हनुमान जी महाराज जब राम के भगत को देखते हैं तो उनकी आंखों में से पानी बहने लगता। हनुमान जी महाराज गदगद हो गए, विभीषण धन्य है, हम तो सानुकूल स्थिति में भगवान की भक्ति करते हैं मगर तू तो संपूर्ण प्रतिकूल स्थिति में, कोई भी संजोग नहीं है मगर फिर भी तू भगवान राम का आश्रय करके सोने की लंका को छोड़कर मिट्टी की कुटिया बना के बैठा है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हनुमान जी अवाक हो गए, हनुमान जी कुछ नहीं बोले। तब विभीषण बोले, हनुमान जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, तब विभीषण को वो ब्राह्मण को देखकर प्रेम हो गया, पहली दृष्टि में उसको देखा तो उनके प्रति हनुमान जी के प्रति विभीषण को अनुराग हो गया। कुछ बोले नहीं अभी तक मगर फिर भी उसको देखकर भाव जागा। तो विभीषण ने कहा कि आप कहीं हरि के अनन्य भक्त जो हो गए उनमें से कोई एक नहीं है? कि तुम हरिदासन मह कोई, प्रभु विष्णु के अनन्य भक्तों में से कोई नहीं है ना? तो हनुमान जी ने पूछा, बोले मगर इशारा किया, क्यों? तो के मोरे हृदय प्रीति अति हो, मैंने आपको देखा, जब से मैंने आपको देखा तब से मेरे हृदय में आपके प्रति अपार भाव अपार प्रेम प्रकट हो रहा है। ए महाराज जी मैं समझ नहीं पा रहा, पहले हरि की बात की फिर बाद में मूल बात पर आ गए कि तुम राम दीन अनुरागी। हे महाराज आप भगवान राम के सेवक नहीं है? कि तुम राम दिन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भागी। हे महाराज आप मुझे भाग्यशाली बनाने के लिए मेरा कल्याण करने के लिए राम के कोई अनन्य भक्त तो नहीं है कि बिन बुलाए आप मेरे द्वार पे आ गए? हे महात्मा जल्दी बोलिए आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है?
और संत का प्रवेश कब होता है? तो कहा गया है कि योग लग्न ग्रह वार तिथि सकल देव अनुकूल। जब पंचांग अनुकूल हो जाता है तब संत का प्रवेश होता है, मगर संत ढूंढने से नहीं मिलते साहब। जैसे हमारे हृदय में शिष्यत्व का भाव निर्माण हो जाता है, संत अपने आप अपने द्वार पे आके खड़े हो जाते, कुछ करना नहीं पड़ता और अपने हाथ को पकड़कर ज्ञान देकर अपने को अलग रास्ते पे चढ़ाकर संत चले जाते। आचार्य तुलसी लिखते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरी गुण ग्राम, सुनहु पवन सुत रहनि हमारी।